हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बता रहे हैं कि टूल कैसे ग्राइंड करते हैं। टर्नर बार शॉप में टूल को ग्राइंड करना अति आवश्यक है। आपको अगर टूल ग्राइंड करना नहीं आता है तो आप अपना ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो बांधने के बाद आपको ऑपरेशन करनी है। तो ऑपरेशन किससे होते हैं? टूलों से। टूल जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। ये वाले जो टूल देख रहे हैं आप, इसको हम टूल कैसे बनाएंगे ये आपको दिखाएंगे। हमें चाहिए एक ग्राइंडर, इसको बोलते हैं पेडेस्टल ग्राइंडर, ठीक है। इस पेडेस्टल ग्राइंडर के अंदर दो ग्राइंडर भी लगे होते हैं, स्ट्रक्चर होती है ग्राइंडर में। एक होती है ओपन स्ट्रक्चर और एक होती है डेंस स्ट्रक्चर। ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये डेंस स्ट्रक्चर है। डेंस वाले में क्या होता है, पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, और ओपन वाले में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ये आपका मोटा मोटा काटता है, और ये क्या है, जब हमारा टूल बन जाता है, बनने वाला होता है, तो फिनिश करने के लिए इस वाले ग्राइंडर व्हील का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्लस साथ में हमको चश्मे का इसलिए करना ताकि इसके पार्टिकल्स बहुत बारीक बारीक होते हैं, हमारे आँखों में ना लग जाए, ठीक है। उसके बाद में आपको बार बार टूल ठंडा करने के लिए हमें क्या करना है, अपने पास कूलेंट, एक कूलेंट बॉक्स जरूर रखना है ताकि हमारा जो है टूल को ठंडा करते रहें, क्योंकि हम टूल को पकड़ेंगे हाथ में तो गर्म हो जाता है स्वाभाविक रूप से, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट कि हम टूल कैसे ग्राइंड करेंगे। सामान्य रूप से आप देखिए ये टूल, देखो ये पास में अपना, इसमें देखो तीन कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? ये इसका टॉप रैक होता है, सामने वाला जो हिस्सा बोलते हैं कोबाल्ट बिट, ये सामान्य लोहे के नहीं है, ये कोबाल्ट बिट है आपकी, ठीक है। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील दो तरह की होती है। हाई स्पीड स्टील जो होता है वो काली वाली जो है आपकी स्टील होती है, ये कोबाल्ट बिट है, ठीक है। ये आपकी इसमें कार्बन की मात्रा 10 से 11% लगभग होती है। इसके बाद में क्या, इसको ग्राइंड करने का तरीका आप समझ लीजिए कैसे करते हैं। तो आप देखो इस टूल के अंदर ऑलरेडी क्या है, एक एक्शन बना हुआ है, इसमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप इस एंगल के अकॉर्डिंग बना लें, चाहे आप ऐसे बना लें, चाहे इसको ऐसे बना लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड बनाना तो इधर से बना लो, राइट हैंड बनाना टूल को तो इस टाइप से बना लो। इसमें ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है, बट एंगल जो है इसमें नीचे को ड्रॉप हो रहा है, आगे को बढ़ा हुआ है, तो ये हम सबको काटना है कैसे, जैसे इस वाले इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका देखो डाउन में जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। ये आपका आगे का फ्रंट के लेंस कहलाता है, ये टॉप रैक कहलाता है, ये आपका साइड रैक कहलाता है। इस चीज़ को बनानी है इनको, ये साइड के लेंस है, फ्रंट के लेंस, साइड के लेंस, टॉप रैक, तीन चीज बनाने के बाद हमारा टूल काम करने योग्य हो जाता है, ठीक है। अब बनाते हैं, देखो पहले से बनाते हैं फ्रंट से। ये लिया हमने, इसको ऐसे शुरू कर दिया, अपना हाथ इस टाइप से रखिए, ऐसे करके रखिए, और यहाँ पे लगा लो हाथ, ठीक है। ये हमने ग्राइंड करा इस टाइप से, ग्राइंडर को नीचे से ऊपर से नीचे डाउन करते हैं, ऊपर से नीचे के, क्यों, हमको इसका एंगल बनाना है। इनके जो एंगल होते हैं वो 6-7 डिग्री के लगभग बनाए जाते हैं, 6-7 डिग्री इनको एंगल रखा जाता है, ठीक है। जैसे ये हमने लगाया ये स्टेप से, और एक बात और ध्यान रखना है, ग्राइंडर व्हील जो होता है इसमें वन साइड या एक जगह पर हम इसको दबाव नहीं देंगे। कैसे कैसे काम करते हैं, यू लगाया, और आपने क्या करा, यू इसको लगाते हैं ग्राइंड करने के लिए, और इसको स्टेप से लाते हैं। इससे हमें दो फायदे होते हैं, क्या, एक तो ग्राइंडर व्हील हमारा एकदम से ख़राब नहीं होगा, यानी कि एक जगह से ही ग्राइंडिंग हो करेंगे तो ये यहाँ से घिसने लगेगा, और लाइक दिस चलाएंगे, इस टाइप चलाएंगे तो उसके पूरा अगर पार्टिकल टूटते हैं तो पूरे सर्फेस से टूटेंगे, इससे व्हील सही रहेगा, ठीक है। तो बार बार इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं लगातार इस टाइप। अब देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन क्या बनती है। जब हम टूल ग्राइंड करते रहते हैं लगातार तो होता क्या है कि हमारा जो है टूल क्या गर्म होने लगता है। तो गर्म होने लगता है तो क्या करते हैं हम, हमारे पास जो कूलेंट बॉक्स रखा हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। देखो इसमें करते हैं डिप, में डिप कर लेते हैं, इससे क्या हो, ठंडा हो जाता है, यहाँ पकड़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है। इसको लगाते हैं यहाँ पर, इसको बार बार करके इस तरह से हम करते रहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बनाया, देखो अभी ये पूरा ग्राइंडिंग जो है हो नहीं पाया, नीचे तक ग्राइंडिंग होना है, करना है इसको, ठीक है। करने का सही तरीका क्या है कि ऐसे लाइक दिस इतना स्पेस रखेंगे और ऐसे ग्राइंड करेंगे, इसको नीचे को लेके ड्रॉप करेंगे, ऊपर से लेके आएंगे, नीचे को ड्रॉप करेंगे, तभी जो हमको इसमें एंगल देना है तभी वो नीचे को डाउनफॉल में जाएगा। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ इसमें इस पोजिशन पे, अब देखना इसमें एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखो इसमें एंगल बन गया, एक ऊपर से नीचे इसमें एक ही फ्लो होना चाहिए, यानी कि इसमें स्टेप ना हो। जैसे देखो अभी देख रहे हैं आप, इसमें हल्का स्टेप यहाँ बचा है और डाउन में इसका स्टेप बचा है। ये स्टेप अगर बचा तो इसका मतलब टूल सही से ग्राइंड नहीं हो रहा है। अगर पूरा क्लियर एक बार में है तो इसका मतलब टूल हमारा सही एंगल में बन रहा है, ठीक है। दोबारा इसको बना रहे हैं हम, ठीक है। ये फ्रंट वाला एरिया इसका है, ठीक है।
अब देखो मैंने इसको वही एंगल के अकॉर्डिंग इसको बनाना शुरू किया है, आप देखेंगे इसका एंगल एकदम बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। ये देखो आप पूरा देखो कंटिन्यूटी है लगातार एकदम, जैसे इस बीच में कहीं स्पॉट आया है, कहीं स्पॉट नहीं आया इसमें, ठीक। अब ये वाला हिस्सा किस लिए हमने, अब इसके साथ साथ में क्या करेंगे, अब इसका कहेंगे हम साइड, साइड ये वाला इसे बोलते हैं साइड क्लियरेंस। अब साइड क्लियरेंस बनाने के लिए हम जैसे कि ये बना हुआ देखो साइड क्लियरेंस इसे बना हुआ है, इसको ग्राइंड करते हैं। ध्यान दें कभी भी व्हील पे यहाँ नहीं लगाना है, टूल फ्रंट पे लगाना है, तो थोड़ा एंगल बदल देंगे अपने खड़े होने का, क्या करना है हमको खड़े होने का एंगल बदलना है, इस टाइप से हमको जाना है, ठीक है। तो ये हम इस टाइप से इसको लगाएंगे, यहाँ देखो आप इस टाइप से, जैसे वही एक्टिविटी कि नीचे वाला डाउन में और ऊपर वाला कट हल्का लगाना है, यानी कि नीचे से कट लगाते हुए ऊपर को फ्लो निकलना है, यानी कि ऊपर निकलना है, ठीक है। या ऊपर से जाएंगे हल्का सा करते हो तो नीचे को ऐसे करते जाएंगे, या तो ऐसे कर लो या ऐसे यूँ कर लो, ठीक है। तो उसको करेंगे हम ऐसे करके ले जाते हैं ऊपर, वही क्रिया जननी है कि इसमें एक जगह नहीं रखना है, ड्रॉ करना है इसको, हमको रनिंग करना है इसके ऊपर, ताकि हमारा जो है टूल सही से बनता रहे और हमारा भीड़ भी खराब ना हो। इसमें देखो आप एक खास बात देख रहे होंगे, इसमें व्हील के अंदर क्या देख रहे हैं, इसमें व्हील के अंदर इसको मैं रगड़ रहा हूँ, रगड़ने के साथ साथ इसमें जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पे इसमें चिंगारी निकल रही है, तो चिंगारी जगह जगह निकल रही है, छूट रही है, इसका मतलब क्या है कि व्हील के अंदर प्रॉब्लम है। जो स्थान ऊँचे हैं व्हील के, जो स्थान व्हील के ऊँचे वाले हैं वहीं पर आपको चिंगारी निकलती दिख रही है, ठीक है। मतलब भीड़ में प्रॉब्लम यह है कि भीड़ सही से ग्राइंड नहीं हो रहा काम में। अब देखो इसमें देखो आप एक ही फ्लो में पूरा ग्राइंड कर दिया मैंने नीचे तक, ठीक है। तो ये आपका ये कौन सा एंगल बना है, इसे बोलते हैं साइड क्लियरेंस एंगल, क्योंकि जब हमारा टूल काम करेगा तो साइड क्लियरेंस चाहिए ना, वरना ये जॉब पे टकराएगा। जैसे आप देखो मैंने यहाँ रख दिया, ये मान लो ये जॉब है, अभी साइड क्लियरेंस में ये जॉब है आपका, ठीक है। ये टर्निंग करेगा इस टाइप से, इस तरह टर्निंग करेगा तो क्या होगा, ये इसको जो है टच टकराए ना, इसमें जगह बनती रहे ताकि तो फ्लो मिलता रहे, इस वजह से ये टूल ऐसे चलेगा बोल रोड पे, ठीक है। अब ये जो हिस्सा देख रहे हो आप नीचे वाला, ये डाउन, ये भी डाउन करना है, जो प्रॉपर्टी इसकी है, जो प्रॉपर्टी इसकी है उसी है डाउन हॉल में। ये आपका साइड बन गया यहाँ वाला, ये आपका ये साइड बन गया, ये आपका फ्रंट बन गया। अब इसको हम रनिंग कर देंगे पूरा यहाँ वाला हिस्से को, इसी एंगल में, इसी एंगल में ये हिस्सा डाउन में जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, ये फ्रंट क्लियरेंस बन जाएगा पूरा, ठीक है। कोई स्थिति है जैसे ये करना है हमको, इसको सीधा स्ट्रेट लगा लिया। अब देखो जो टूल का मेन पॉइंट है, खास पॉइंट है, उस पॉइंट पर देखो आप नीचे को भी एंगल हो गया, उधर को भी एंगल हो गया। अब ये ऐसे काम करे या ये ऐसे काम करे, कहीं पे जो है आपका टूल का पॉइंट ही काम वर्क करेगा, बाकी हिस्सा जो है ओपन है। ये आया आपका ये साइड क्लियरेंस बन गया। अब इसमें क्या बनना बाकी बचा है, टॉप रैक। टॉप रैक जो टॉप रैक होता है, रैक माने होता है कोई वो चीज जहाँ से कोई कटिंग चीज निकलती है, बेस्ट निकलती है, वो रैक कहलाता है। रैक तीन टाइप का होता है, एक होता है जीरो रैक, एक होता है पॉजिटिव रैक, एक होता है नेगेटिव रैक। ये है ये फ्लो जो है, बस ये है कि इनका रूप बदल जाता है। इधर एंगल बनाया तो ये आपका फ्रंट, ये क्या बन गया साइड क्लियरेंस। आगे से बना एंगल बनाया तो हो गया फ्रंट क्लियरेंस, ऊपर से बनाया तो हो गया आपका टॉप क्लियरेंस। टॉप क्लियरेंस इज ए रैक एंगल, जीरो रैक, पॉजिटिव रैक और नेगेटिव रैक, ठीक। वही स्थिति इसमें करेंगे, नीचे वाला हिस्सा डाउन में जाएगा, ऊपर वाला हिस्से आएंगे इधर, तभी तो एंगल ड्रॉप करेंगे, तभी तो एंगल बना पाएंगे हम, ठीक है। देखिए आप इसमें, आप फ्लो देखो, आप पूरा फ्लो इसमें एक जैसा है, देखो ऊपर से लेके नीचे तक ये
को क्लियर, ऐसे ही टूल बनाना चाहिए। अगर ये फ्लो पूरा नहीं है इसका मतलब आपने स्टेप बना दिया तो टूल आपका सही से वर्क भी नहीं करेगा, क्यों? उसका एंगल प्रॉपर नहीं बना पाए हो। इस प्रकार से आपने देख लिया, इस प्रकार से आपने देख लिया ये कि हम सरफेस ग्राइंडर पे किस प्रकार से टूल को बनाते हैं। टूल बनाने की कई विधि होती है, कई तरह से टूल बनाए जाते हैं। जैसे कि आप जान रहे हो ये पेडस्टल ग्राइंडर है, इससे बना लेते हैं। एक होता है टूल एंड कटर ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर पर ही हम जो है टूल को बना लेते हैं। उसकी विशेषता ये होती है टूल एंड कटर ग्राइंडर की, उसमें हम जैसा एंगल चाहे वैसे एंगल में बना लेते हैं, बट यहाँ पे उसको हम जो है चेक करना पड़ता है। वहाँ चेक करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो, वहाँ सेट करना पड़ता है। जैसे हमारे पास रखा भी है टूल एंड कटर, इस प्रकार देखो आप ये ब्लैंक दाम ने ये आपका टूल ऐसे बना दिया, ठीक है। और ओल्डेस्ट आपका जो है टूल इस टाइप से बना हुआ था ये, ठीक। जितना अच्छा टूल बनाएंगे उतना टूल अच्छा वर्क करेगा, उतना अच्छा लोड को बियर करेगा और आपका मेटल को सही से काटेगा। टूल का एंगल अगर सही नहीं बनाया, ये एंगल सही से नहीं बनाओगे आप, तो टूल जो है सही से वर्क नहीं करेगा। गाइज आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर दबा लीजिए, बेल को दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।